हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ इनिंग। जैसा कि क्लैश ऑफ चैंपियंस पीपीवी खत्म हो चुका है और आज है मंडे, अब टाइम होने वाला है रॉके न्यू एपिसोड का। अब आने वाले रॉके न्यू एपिसोड में पीपीवी के बाद क्या क्या दिखेगा और स्टोरी लाइन किस तरफ जाएंगी, सबके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। ये वीडियो होने वाली है रॉकी प्रीव्यू वीडियो। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। शुरुआत करते हैं WWE वुमेन टैग टीम टाइटल से, जो कि क्लैश ऑफ चैंपियंस पीपी में अलेक्सा ब्लिस और निक्की क्रॉस ने रिटेन कर लिया। वहीं अब शायद नहीं लगता है कि मैंडी रोज और सोनिया डेविल आगे इनके साथ फ्यूड में दिखाई देने वाली हैं। अब टाइम है तो किसी न्यू टीम के इन दोनों के सामने आने का, जिसके लिए WWE कोई टूर्नामेंट टाइप करा सकती है या खुद से कोई टीम सामने आके इनको चैलेंज कर सकती है हेल इन अ सेल पीपीवी के लिए। शायद आस्का और कायरी सेन या बिल्ली के और पैटर्न रॉयस की टीम आइकॉनिक हो सकती है। वहीं बात आती है रॉ वुमेन्स चैंपियन बैकी लिंच की, तो क्लैश ऑफ चैंपियंस पीपी में उन्होंने बैंक्स को डिस्क्वालिफिकेशन के जरिए हरा दिया और टाइटल अभी उन्हीं पे है। बट मैच का एंड जिस तरह से हुआ उसके बाद साफ है कि इन दोनों के बीच अभी फ्यूड खत्म नहीं होने वाली है। और जिस तरह से बैकी लिंच ने साशा बैंक्स को चेयर और रेलिंग में फंसा के डिसार्म लगाया था, उसके बाद शायद साशा बैंक्स हाथ में कुछ पहने दिखाई देंगी। अब आने वाले इस एपिसोड में बैकी लिंच जीत की खुशी में होंगी और बैक स्टेज शायद साशा बैंक्स बैकी लिंच पर एक बार फिर से बुरी तरह अटैक करेंगी और ये अटैक बैली के साथ मिलके भी हो सकता है। जैसा कि क्लैश ऑफ चैंपियंस पीपीवी में किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट का फाइनल नहीं हुआ, जिस वजह से आने वाले रॉक के इस एपिसोड में इसका फाइनल दिखने वाला है, वो भी वैरन कॉर्बिन वर्सेस चैट गेवल के बीच। अब आप खुद सोचिए, जिसका फाइनल मैच पीपीवी में नहीं कराया गया, अब इसे दोनों में से कोई जीते, जीत कर कुछ खास होगा नहीं, जीतने वाले के साथ भी वैसा ही होगा जैसा पहले किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट जीतने वालों के साथ हुआ है। नो डाउट मैच दोनों के बीच अच्छा दिखेगा, अच्छा एक्शन देखने को मिलेगा और काफी हद तक चांसेस हैं यहाँ जीत बैरन कॉर्बिन की हो सकती है। अब बात आती है रॉ टैग टीम चैंपियंस की, जो कि क्लैश ऑफ चैंपियंस में डॉल्फ जिगलर और रॉबर्ट रूड बन चुके हैं। सेथ रॉलिंस और ब्रॉन स्ट्रोमैन को हार झेलनी पड़ी, जिसके बाद अब आने वाले इस एपिसोड में डॉल्फ जिगलर और रॉबर्ट रूड को न्यू चैलेंजर मिलेंगे और बहुत हद तक चांसेस हैं कि ये टीम शायद विकिंग राइडर्स हो सकती है। और अब टाइम आ गया है इस टीम को टाइटल पिक्चर में डालने का। कब तक WWE इन्हें जॉबर के खिलाफ ही डालते हुए दिखाई देगी? वहीं क्लैश ऑफ चैंपियंस पीपीई में ऑफ ईयर में हुए US टाइटल का मैच जीतने के बाद स्टाइल ने ओसी के साथ मिलकर फिर एक बार सेड्रिक को पीटा, जिसके बाद लगता है कि इनके बीच सब खत्म नहीं हुआ है। आने वाले इस एपिसोड में हो सकता है कि रिकोशे रे मिस्टीरियो सेड्रिक अलेक्जेंडर वर्सेस ओसी के बीच सिक्स मैन टैग टीम मैच दिखे, जिस मैच में ओसी की हार हो जाए, जिसके बाद देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि इनके बीच आगे और क्या दिखेगा। वहीं क्लैश ऑफ चैंपियंस के मेन इवेंट में सेथ रॉलिंस ने ब्रॉन स्ट्रोमैन को हरा दिया और यूनिवर्सल टाइटल को रिटेन कर लिया। सेथ रॉलिंस के 3 कर्ब स्ट्रॉम को किकआउट करने के बाद शायद फैंस को लगा होगा कि ब्रॉन स्ट्रोमैन जीत सकते हैं, बट ऐसा नहीं हुआ और फिर ब्रॉन स्ट्रोमैन पास आके टाइटल जीतने में नाकाम रहे। वहीं मैच के बाद स्टेज पर सेथ रॉलिंस के ऊपर द फिंड ने अटैक करा, जिसके बाद साफ है कि आने वाले इस एपिसोड में सेथ रॉलिंस आके फिंड को प्रोमो में टारगेट करेंगे, जिसके बाद फिंड की एंट्री हो और एक बार फिर सेथ रॉलिंस में मार पड़े, जिसके बाद इन दोनों के बीच WWE ऑफिशियली हेल इन अ सेल के लिए मैच अनाउंस कर दे। वैसे तो कोई स्ट्रॉन्ग अपडेट नहीं है, बट मे बी इस एपिसोड में WWE किसी सुपरस्टार का रिटर्न दिखा सकती है। देखना यह भी इंटरेस्टिंग होगा कि आने वाले रॉ के एपिसोड में WWE उन बड़े सुपरस्टार को कैसे फ्यूड में डालती है जो कि क्लैश ऑफ चैंपियंस पीपीवी को मिस कर बैठे थे, जो कि मैच खेलते हुए हमें नहीं दिखाई दिए इस पीपीवी में। तो ऐसा ही कुछ होता दिखने वाला है आने वाले रॉ के एपिसोड में। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और इस तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।